खुम्ब यानी मशरूम मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगने वाला फंगस या कवक होता है। दुनिया भर में सब्जी के रूप में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ रही है। मशरूम से अचार, मुरब्बा, सूप पाउडर, खीर और पकौड़े जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। सभी मशरूम्स खाने योग्य नहीं होते, कुछ जहरीले भी होते हैं। दुनिया में मशरूम की 2500 से अधिक किस्मों में से सिर्फ 100 किस्में ही सब्जी के रूप में खाने योग्य हैं। पूरी दुनिया की तरह हमारे देश में भी मशरूम बड़ी तेजी से स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में लोकप्रिय हो रही है। इसमें चिकनाई और स्टार्च की मात्रा कम होती है, जिससे ये हृदय और मधुमेह के रोगियों और शाकाहारियों के लिए बहुत ही पौष्टिक आहार है। मशरूम में ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जो खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने नहीं देते, जिससे हृदय की रक्षा होती है। प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाश, आयरन और फास्फोरस जैसे मिनरल और विटामिन से भरपूर है मशरूम। ये औषधि के रूप में भी काम आती है। इन्हीं खासियतों के कारण मशरूम की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। सर, मैं डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से आया हूँ बागवानी केंद्र में मशरूम के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो सर, मुझे एक यूनिट के बारे में जानकारी दें कि एक यूनिट में कितना खर्चा आएगा लगाने के लिए और कितनी उससे हमें आमदनी प्राप्त होगी। सर, बटन मशरूम के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? बटन मशरूम में ही लोग किसान भाई करना चाह रहे हैं, तो एक यूनिट मतलब एक झोपड़ी या एक हट में जो एक उनका आइडियल है, जो 30x60 की एक झोपड़ी बनती है, सब मिला के 80 से 90 हज़ार रुपये तक पर झोपड़ी इसका टोटल खर्चा आता है। और एक क्रॉप साइकिल में, एक साइकिल में आप 30 से 40 हज़ार रुपये तक पर झोपड़ी आप उसमें आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे साल से चूँकि आपके फिक्स कॉस्ट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और आपका मार्जिन जो होता है, जो प्रॉफिट होता है पर झोपड़ी, वो आपकी दुगुनी हो जाती है। 30 से 60 हज़ार रुपये तक पर झोपड़ी आपको आमदनी प्राप्त हो जाती है। सर, आप हमें ये बताइए कि मान के चलिए हमने ये काम कर लिया, करने के बाद में इसकी मार्केटिंग हमें कहाँ, जहाँ से ज़्यादा हमें दो पैसे आमदनी मिल सके, हमें वो आप हमें मंडी के बारे में जानकारी दें। तो मार्केटिंग की जो बात करते हैं, सबसे पहले आप अपने जहाँ पे आप मशरूम पैदा कर रहे हैं उसके आसपास के मार्केट में आप अपने मशरूम को पहुँचाइए। वहाँ पर अच्छी मांग है, लोग को ज़रूरत है, लोग ढूंढ रहे हैं, उनको मशरूम नहीं मिल रही है। उसके बावजूद भी लगता है कि आपका मशरूम वहाँ आसपास आपके नहीं बिक पा रही है, तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी जो है खुली मार्केट है, जहाँ पे बटर मशरूम का इतनी डिमांड है कि उसकी पूर्ति वहाँ भी नहीं हो पा रही है। और पूरे आज़ादपुर मंडी से जितनी भी मशरूम आ रही है पूरे इंडिया के, वो फिर दोबारा हर शहर को दोबारा सप्लाई हो रही है, यहीं से हो रही है। तो कहीं भी आप अच्छी तरह से इसको बेच सकते हैं। वहाँ पर इसकी आढ़त लगती है, आढ़त ये बैठते हैं, किसान लोग अपना मशरूम ले कर आते हैं वहाँ पर और अपने मशरूम की बोई लगाते हैं, जो कि अच्छा भाव मिलता है। मशरूम की खेती के लिए अन्य फसलों की तरह खेत या उपजाऊ जमीन की जरूरत नहीं होती है। इसे कच्चे घर या बंद कमरों में थोड़ी सी जगह में लगाया जा सकता है। बेकार पड़ी बंजर जमीन पर भी मशरूम का फार्म बनाया जा सकता है। इस तरह मशरूम की खेती छोटे और भूमिहीन किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। मशरूम की खेती के कई लाभ हैं। सबसे बढ़कर लाभ ये है कि इसमें कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती। एक अन्य लाभ ये है कि दो फसलों के अंतराल में मशरूम की खेती करके अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। गांव के बेरोजगार युवकों, महिलाओं और छोटे किसानों के लिए मशरूम की खेती आत्मनिर्भरता का वरदान लेकर आई है। किसी भी इकाई क्षेत्र में अन्य फसलों के मुकाबले मशरूम का उत्पादन कई गुना ज्यादा होता है। यही कारण है कि मशरूम उगाने वाले किसानों को कभी हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठना नहीं पड़ता। व्यवसाय के तौर पर तरह तरह के मशरूम्स हमारे देश में उगाई जाती हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इनमें से खाने लायक मशरूम्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि इस बात को जानकर ही व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सकता है। मशरूम की वैसे तो सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं, लेकिन भारत में ज्यादातर 3 तरह के मशरूम्स की व्यावसायिक खेती की जाती है। तापमान की भिन्नता के मुताबिक तीनों मशरूम्स की खेती अलग अलग समय पर की जाती है। पहली बटन मशरूम है। कृत्रिम रूप से तरह तरह के वातावरण में इसे पूरे साल उगाया जा सकता है। किसान भाई इसकी 4 फसलें ले सकते हैं। बटन मशरूम 80 से 90% की सापेक्षिक आर्द्रता और 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उगाई जाती है। उत्तर भारत की प्राकृतिक परिस्थितियों में मशरूम
नवंबर से फरवरी के बीच उगाई जाती है और 3-3 महीने की अवधि की 2 फसलें ली जा सकती हैं। ताजे बटन मशरूम की अच्छी खासी मांग है। ढींगरी या ऑयस्टर कुंभ का वैज्ञानिक नाम प्लूरोटस स्पीशीज है और इसे सुखाकर बेचा जाता है। ढींगरी मशरूम 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान और 80% से अधिक सापेक्षिक आर्द्रता पर फरवरी से मार्च और सितंबर से अक्टूबर के बीच उगाई जाती है। दूधिया मशरूम कृत्रिम रूप से 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान और 80 से 90% सापेक्षिक आर्द्रता पर मार्च से अप्रैल और जुलाई से सितंबर के बीच उगाई जाती है। पहाड़ी इलाकों के अलावा मशरूम मैदानी क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर उगाई जा रही है। बस केवल तापमान और आर्द्रता जरूरत के अनुसार होनी चाहिए। जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मशरूम की खेती के लिए बांस और घास फूस की अस्थाई संरचनाएं यानी कि शेड्स बनाए जा रहे हैं और ये इस प्रकार का काम है जिसमें महिलाएं भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। अब अगर आपको मशरूम की अच्छी पैदावार चाहिए तो उसके लिए चाहिए आपको अच्छा बीज, क्योंकि अच्छा बीज होगा तभी तो अच्छी पैदावार होगी। और अच्छा बीज आपको कहाँ से मिल सकता है? अच्छा बीज आपको मिल सकता है अच्छी गुणवत्ता वाले स्पान या बीज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान के मशरूम स्पान प्रयोगशाला से उचित मूल्य पर प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ की प्रयोगशाला में ये स्पान या बीज वैज्ञानिक विधि से तैयार किए जाते हैं। स्पान तैयार करने के लिए अच्छी क्वालिटी की गेहूं के बिना कटे फटे मोटे दानों को साफ पानी से धुलाई करके 25 से 30 मिनट तक उबालकर पका लिया जाता है। फिर इन पके हुए गेहूं के दानों को छलनी से छानकर आधा घंटा तक सुखा लिया जाता है। इसमें 2% जिप्सम और 0.5% कैल्शियम कार्बोनेट मिलाकर पैकेट्स में भर लिया जाता है। इन भरे हुए पैकेट्स को निर्जीवीकरण के लिए ऑटोक्लेव मशीन में 126 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 22 पाउंड दबाव के साथ 2 घंटों के लिए रखा जाता है। इस मापदंड पर इन पैकेट्स का निर्जीवीकरण हो जाता है। 2 घंटे पश्चात जब मशीन सामान्य तापक्रम पर आ जाए तो इन पैकेट्स को निकालकर संरोपण कक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां पर नमी बनाए रखने के लिए इन्हें 24 घंटों तक 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। तत्पश्चात इन बीजों को लेमिनर फ्लो उपकरण द्वारा अल्ट्रावायलेट किरणों से उपचारित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान फंगस को इन पैकेट्स में डालकर मास्टर कल्चर या मदर स्पान तैयार कर लिया जाता है। एक पैकेट मास्टर कल्चर से 15 से 20 पैकेट व्यावसायिक बीज अर्थात स्पान तैयार किए जाते हैं। कल्चर करने के पश्चात इन पैकेट्स को, चाहे वो मास्टर कल्चर हो या व्यावसायिक स्पान, दोनों को ऊष्मायन कक्ष में एक निश्चित तापमान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस कक्ष में अलग अलग वैरायटी के बीज या स्पान अलग अलग समय पर तैयार होते हैं। बटन मशरूम का स्पान 20 से 22 दिन में तथा ढींगरी व दूधिया मशरूम का स्पान 7 से 10 दिन में तैयार हो जाता है। जब इन पैकेट्स में कवक जाल पूरे पैकेट में फैल जाए या फिर पैकेट्स में सफेदी पूरी तरह दिखाई देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब ये स्पान या बीज बीजाई के लिए तैयार हैं। इन्हें शीत कक्ष में 20 से 25 दिनों तक 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखा जा सकता है। बटन मशरूम के उत्पादन के लिए एक विशेष प्रकार की खाद या कंपोस्ट की आवश्यकता होती है, जिसे तैयार करने की 2 विधियां हैं। एक है लंबी अवधि वाली विधि और दूसरी है लघु अवधि वाली विधि। लंबी अवधि वाली विधि को ज़्यादातर किसान इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें महंगे यंत्रों की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल 7 से 8 पलटाइयों में आपकी खाद या कंपोस्ट तैयार हो जाती है। 20 क्विंटल अर्थात 2000 किलोग्राम खाद बनाने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो इस प्रकार है। धान व गेहूँ का भूसा या अवशेष 1000 किलोग्राम, मुर्गी की बीट या खाद 400 किलोग्राम, गेहूँ का चोकर 100 किलोग्राम, यूरिया 14.5 किलोग्राम। सबसे पहले धान व गेहूं का भूसा या अवशेष 48 घंटे तक पक्के फर्श पर बिछाकर पानी से अच्छी तरह भिगोएं, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पानी सोख ले। भूसे को भिगोने के 24 घंटे बाद
उसमें इन सभी सामग्रियों को एक एक करके अच्छे से मिला दें। फिर इन्हें फोर्क की सहायता से अच्छी तरह मिलाकर 4 दिन ऐसे ही रखा रहने दें। तत्पश्चात 5 फुट ऊंची, 5 फुट चौड़ी और सुविधानुसार लंबाई की ढेरियां लगाएं। ढेरी लगाने के 6वें दिन से पहली पलटाई शुरू करें। तत्पश्चात अलग अलग समय अंतराल पर इस ढेर की 8 पलटाइयां की जाती हैं। पहली पलटाई 6वें दिन, दूसरी पलटाई 10वें दिन, तीसरी पलटाई 13वें दिन, चौथी पलटाई 16वें दिन, पांचवी पलटाई 19वें दिन, छठी पलटाई 22वें दिन, सातवीं पलटाई 25वें दिन और 8वीं पलटाई 28वें दिन। कंपोस्ट की ढेरियों के बीच के तापमान को रोज देखते और लिखते रहें। ढेरियों के बीच में जब तापमान 70 से 75 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तभी भूसे में सड़न पैदा होती है। ये तापक्रम ढेरी बनाने के 28 घंटे बाद आ जाना चाहिए। समयानुसार इन ढेरियों के सूखे भाग में जरूरत के अनुसार इन पर पानी का छिड़काव भी करते रहें। कंपोस्ट में पानी की उचित मात्रा देखने के लिए थोड़ी सी कंपोस्ट को मुट्ठी में दबा कर देखें। अगर दबाने पर पानी बिल्कुल ना दिखाई दे और दबाव हटते ही कंपोस्ट बिखर जाए, तो समझें कि इसमें पानी की कमी है। पानी की मात्रा अधिक होने पर कंपोस्ट को खोलकर उसे हवा लगानी चाहिए। लंबी अवधि वाली विधि से खाद बनाने के बाद आइए अब देखते हैं कि लघु अवधि वाली विधि में खाद किस प्रकार बनाई जाती है। इस विधि में सामग्री लगभग लंबी अवधि की तरह ही लगती है। इस विधि द्वारा 2 अवस्थाओं में खाद तैयार की जाती है। पहली अवस्था में 8 से 10 दिनों तक पलटाई बाहर की जाती है। दूसरी अवस्था में खाद को कृमिनाशक कमरों में 5 से 8 दिनों तक भाप द्वारा कृत्रिम तापमान उत्पन्न करके रखा जाता है। अच्छी खाद के गुण इस प्रकार हैं। खाद का रंग गहरा भूरा होना चाहिए। खाद का पीएच 7.5 से 7.8 के बीच होना चाहिए। खाद में अमोनिया की गंध बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। खाद में पानी की मात्रा 60 से 70% होनी चाहिए। खाद में चिपचिपापन नहीं होना चाहिए। यदि ये सभी गुण खाद में उपलब्ध हैं, तो समझना चाहिए कि खाद अच्छी बनी है और अब इस खाद में बिजाई की जा सकती है। अच्छी उपज के लिए शुद्ध और अच्छी किस्म का बीज या स्पान ही खरीदें। ध्यान रखें कि बीज में चिपचिपापन और बदबू बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मशरूम का बीज शीशे की बोतलों में या पॉलीप्रोपिलीन बैग्स में होता है। मशरूम के उत्पादन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बिजाई की है। बिजाई अगर अच्छे तरीके से होगी, तभी आपको अच्छी पैदावार मिल सकेगी। ये बिजाई किस तरीके से की जाती है, इसे जानना भी बहुत जरूरी है। बोतलों या पॉलीथीन की थैलियों से बीज निकालकर कंपोस्ट में पूरी तरह मिला दिया जाता है। 1 क्विंटल खाद के लिए 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसानों द्वारा बनाई गई कच्चे घास फूस की संरचनाओं अथवा कमरों में लकड़ी की शेल्फ यानी कि रैक्स पर पॉलीथीन शीट बिछाकर खाद को बिछा दिया जाता है, या फिर प्लास्टिक की थैलियों और लकड़ी की पेटियों में खाद भर ली जाती है। खाद को समतल करने के पश्चात खाद की ऊपरी सतह पर बीजों का छिड़काव कर दिया जाता है। इसके बाद खाद पर अखबार बिछा दिया जाता है, जिससे कंपोस्ट के अंदर नमी बनी रहे। फिर पेपर के ऊपर फॉर्मेलिन का छिड़काव कर दिया जाता है। बीज यानी स्पान मिलाने के बाद कमरे का तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस और नमी 80 से 85% बनाए रखें। दिन भर कमरे को बंद रखें, क्योंकि इस समय ताजी हवा की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इस तापक्रम पर मशरूम के कवक जाल आसानी से खाद में फैल जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार अखबार के ऊपर और कमरे में सुबह शाम स्प्रेयर पंप से पानी का हल्का छिड़काव करते रहें, ताकि उचित नमी बनी रहे। ऐसे वातावरण में बीजों से कवक यानी फफूंद जाल धीरे धीरे खाद में फैल जाता है और 10 से 15 दिनों में चारों ओर सफेदी छा जाती है। मशरूम के उत्पादन में केसिंग की प्रक्रिया का भी बहुत ज्यादा महत्व है। जब बिजाई हो जाए और उसके बाद कंपोस्ट के ऊपर जाला आ जाए,
वही समय होता है केसिंग को करने का, और केसिंग कम से कम 1 से 1.5 इंच की जानी चाहिए। चावल के छिलकों की राख, गोबर खाद, जिप्सम और नारियल के बुरादे का मिश्रण केसिंग के लिए अच्छा माना जाता है। केसिंग मिश्रण तैयार करने पर इसका पीएच 7.5 से 8 के बीच होना चाहिए। साथ ही ये खूब पानी सोखने वाला होना चाहिए। इसे 2 से 3 दिन तक पॉलीथीन या तारपोलीन हटाकर उलटते पलटते हैं, जिससे फॉर्मेलिन की गंध निकल जाए। ये क्रिया बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा बिछाई गई खाद में कई प्रकार की फफूंद, जीवाणुओं, कीड़ों और सूत्रकृमियों द्वारा हानि का डर रहता है। अच्छी केसिंग में पोषक मान कंपोस्ट की अपेक्षा बहुत कम होना चाहिए तथा पानी सोखने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। केसिंग करने से पहले अखबार या पॉलीथीन की चादर हटा देनी चाहिए। खाद पर सफेद कवक जाल दिखाई देने पर केसिंग मिश्रण की 1 से 1.5 इंच की परत खाद पर बिछा देनी चाहिए, फिर उसके तुरंत बाद पानी का छिड़काव कर देना चाहिए। खाद के ऊपर केसिंग बिछा देने के 1 सप्ताह तक तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए, फिर तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लाना चाहिए। ये तापमान तब तक बनाए रखें जब तक मशरूम्स निकलते रहें। खाद में जाला फैलते समय 1 या 2 बार हवा का संचालन जरूरी है। जाला फैलते समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पिनहेड बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मशरूम निकलते समय इसकी मात्रा 0.08 से 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पिन बनने के समय और बाद में हवा का संचालन अच्छी तरह होना चाहिए। इस सारी प्रक्रिया के बाद मशरूम की सही ढंग से तुड़ाई का बहुत महत्व है। बटन का व्यास 2.5 सेंटीमीटर हो जाने पर मशरूम की तुड़ाई की जाती है। मशरूम को तोड़ते समय उसे हल्के अंगूठे और पहली उंगली के बीच पकड़कर दाईं तरफ घुमाकर धीरे से बाहर की ओर खींच लिया जाता है। इसके बाद नीचे के मिट्टी लगे तने के भाग को चाकू से काटकर अलग कर दिया जाता है। तुड़ाई के बाद मशरूम को अधिक समय तक हवा में रखने पर ये भूरे हो जाते हैं, जिससे इन्हें बाजार में अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता। मशरूम्स का अधिक समय तक अच्छा रंग बनाए रखने के लिए 10 लीटर पानी लेकर उसमें 4 से 5 ग्राम पोटेशियम मेटासल्फाइड का घोल बनाएं और इस घोल में 2 से 3 मिनट तक मशरूम्स को धोएं। धोने के फौरन बाद मशरूम्स को पॉलीथीन बैग्स में पैक करें। बैग्स में हवा आने जाने के लिए 2 से 3 छेद कर दें। देश के कई हिस्सों में किसान इसी विधि से मशरूम का उत्पादन करके अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। व्यावसायिक तौर पर मशरूम का उत्पादन शुरू करने से पहले इसका प्रशिक्षण लेना ज्यादा फायदेमंद रहता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान द्वारा समय समय पर मशरूम के उत्पादन की तकनीकों पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। मैं 1990 से मशरूम की खेती करता आ रहा हूं। मैंने शुरुआत में अपने घर के पास एक प्लॉट से एक झोपड़ी से शुरुआत की थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ते गए और कुछ समय बाद जैसे ही हमने NHRDF का सहयोग हमारे साथ मिला तो हम इस मुकाम पर आज पहुँच गए कि हम 150 सेड तक अपने मशरूम की खेती करते आ रहे हैं और हमारे साथ 100 आदमियों का रोजगार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सब्जी की खेती करता हूँ, साथ साथ में 3-4 साल से मशरूम की खेती भी कर रहा हूँ। 2 साल से राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान जनकपुरी से जुड़ा हूँ। बीज वगैरह सब वहीं से लेके आता हूँ। बीच बीच में मेरे को कोई दिक्कत वगैरह आती है तो मैं वहाँ जाके सलाह मशवरा लेता हूँ, जिससे मेरी इनकम और पैदावार दोनों बहुत ही अच्छी हो रही हैं। मैं मशरूम का काम कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। पहले मैं 2 साल से 6 फार्म लगा रहा था, अब मैं 12 फार्म लगा रहा हूँ। पिछले साल काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, मेरा जो पैदावार वगैरह है काफ़ी अच्छी रही और ये तकनीकी जानकारी NHRDF की तरफ से मुझे टाइम टाइम पे मिलती रहती है। वहाँ के वैज्ञानिक वगैरह जो हैं वो समय समय पर आकर निरीक्षण करते रहते हैं और कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत या बीमारी होती है
वो मेरे को समय पे दवाइयों से रहित, हर चीज़ से रहित वो मेरे को जानकारी देते हैं और मैं वहाँ से बीज लेता हूँ। काफ़ी अच्छी पैदावार रहती है। जो मेरी मशरूम का साइज़ होता है वो ज़बरदस्त ठोस होता है और वाइटनेस अच्छी होती है, जिससे बाज़ार में मूल भाव अच्छा मिलता है। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बागवानी भवन जनकपुरी में प्रशिक्षण का कार्यक्रम काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं और जो लोगों ने प्रशिक्षण लिया है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, उनका आज के स्थिति में आर्थिक स्तर बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके जो व्यवसाय चल रहे थे उसमें मशरूम का व्यवसाय स्टार्ट करने से उनके परिवार के लोगों को रोज़गार मिला है, आसपास के क्षेत्रों में बेचते हैं, उनको इसका मुनाफा मिलता है और बहुत कम लागत में बहुत अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। इस प्रकार से प्रशिक्षण कार्यक्रम हम महीना में एक सप्ताह के लिए करते हैं, साल भर चलता रहता है। उनको अच्छी गुणवत्ता के मशरूम का स्पॉन दे रहे हैं, उनको मशरूम उत्पादन के लिए कंपोस्ट भी बना के दे रहे हैं, क्योंकि कंपोस्ट बनाने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। हम कंपोस्ट बना के देते हैं, वो छोटे से स्तर में अपना मशरूम उद्योग को स्टार्ट करते हैं। साथ ही यह भी बताना चाहूँगा कि कुछ महिलाओं ने हमारे यहाँ प्रशिक्षण किया था, उन्होंने बोला कि सब लोग तो अपने व्यवसाय में या बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, तो मैं मशरूम को इसलिए उत्पादन का व्यवसाय करना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को व्यस्त रहूँ और आसपास के लोगों को अच्छा से अच्छा न्यूट्रिटिव पोषण वाले मशरूम को खिला सकूँ। नए कौशल भारत के निर्माण में किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जिस तरह नई खेती की जरूरत है, मशरूम की खेती उसमें एक कारगर विकल्प साबित हो सकती है। अगर हमारे देश के किसान परंपरागत खेती के साथ साथ मशरूम जैसी व्यावसायिक खेती को अपना लें, तो निश्चित रूप से वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।